दोस्तों मोदी जी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लेंगे, लेकिन उससे पहले ही जबरदस्त सिर फुटावल है, जबरदस्त सिर फुटावल है। यकीन मानिए, अब मैं आपको ऐसी ऐसी खबरें बताने वाली हूँ जिसको आपको सुनकर अंदाजा लग जाएगा कि ये सरकार जो बनने जा रही है उसके आगे कितनी भीषण, कितने भीषण संकट है। सबसे पहले दोस्तों पत्रकार प्रेम कुमार का ये ट्वीट देखिए जिसमें उन्होंने लिखा है, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार लिखते हैं कि नीतीश कुमार ने आपात बैठक बुलाई है अपने नेताओं के साथ और नीतीश कुमार काफ़ी नाराज बताए जा रहे हैं और इसको लेकर वो कोई फैसला ले सकते हैं। देर रात बैठक हुई और इस बैठक में ललन सिंह मौजूद थे, संजय झा मौजूद थे, उमेश कुशवाहा मौजूद थे जो कि बिहार जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दरअसल ये बैठक इसलिए बुलाई गई क्योंकि नीतीश कुमार इस बात को लेकर नाराज़ हैं कि उनको दो कैबिनेट मिल रहे हैं, दो कैबिनेट के बर्थ मिल रहे हैं। इसको लेकर नीतीश कुमार भड़क गए हैं। ना केवल नीतीश कुमार भड़के हैं बल्कि उनके जो नेता हैं, खासतौर पर ललन सिंह जैसे खाटी जेडीयू नेता जो उनके शुरुआत से सहयोगी रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप अपने पॉलिटिक्स के, अपनी राजनीति में इस वक्त पीक पर हैं। मतलब आप बीजेपी से बेहतर परफॉर्म किया है आपने बिहार में और आप राष्ट्रीय राजनीति में इतना गहरा दखल रख रहे हैं, आपकी वजह से एक बैसाखी सरकार बन रही है, तो अच्छे से बार्गेन कीजिए। और नीतीश कुमार भी इस बात को लेकर नाराज़ हैं कि जो दो कैबिनेट देने की बात की गई है तो किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। और इसको लेकर नीतीश कुमार साफ चाहते हैं कि पांच नहीं तो कम से कम चार कैबिनेट बर्थ तो उनको मिलने ही चाहिए, पत्रकार प्रेम कुमार ने भी यहाँ पर लिखा है। और नीतीश कुमार चाहते हैं कि रेल और कृषि विभाग उनको मिले। और रेल मंत्रालय को लेकर दोस्तों जेडीयू के नेताओं की पिछले दो दिन से लगातार बयानबाजी भी शुरू हो गई है कि बिहार सबसे ज़्यादा राजस्व देता है और इसीलिए रेल मंत्रालय पर तो पहला अधिकार हमारा है। और कृषि मंत्रालय भी नीतीश कुमार अपने पास चाहते हैं। और इसके लिए दोस्तों नीतीश कुमार ज़बरदस्त प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी की तरफ से कल एक बयान आ गया कि इंडिया गठबंधन की ओर से तो नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर था लेकिन उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया। हालांकि बाद में इंडिया गठबंधन की तरफ से भी बयान आ गया कि हमने तो ऐसा ऑफर ही नहीं दिया था। लेकिन ये प्रेशर पॉलिटिक्स होती है। जेडीयू साफ तौर पर, नीतीश कुमार साफ तौर पर बीजेपी को ये संदेश देना चाहते हैं कि देखिए आपकी वजह से हमने पीएम पद को ठुकरा दिया, अब आपको हमको बड़े और मलाईदार मंत्रालय, हमारी मर्जी के मलाईदार मंत्रालय तो देने ही होंगे। और देखिए दोस्तों इसके नतीजे भी देखने को मिले हैं। इस लेवल पर प्रेशर में है बीजेपी की शपथ ग्रहण से पहले अमित शाह के घर देर रात बड़ी बैठक हुई, कैबिनेट मंत्रियों के नामों पर चर्चा हुई। नड्डा और बीएल संतोष इस बैठक में शामिल थे। दरअसल दोस्तों 7 जून को जेपी नड्डा के घर में इससे पहले बैठक हुई थी और 4-5 घंटे वो बैठक चली थी। इस बैठक को लेकर देखिए आज तक ने खबर भी छापी है और ज़बरदस्त बैठक हुई थी, इसमें काफ़ी चर्चा हुई थी। मोदी जी बार बार फ़ोन करके जानकारियां ले रहे थे कि कहां पर किससे कितनी बार्गेन हो रही है, किसको कौन सा मंत्री पद चाहिए। और जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद थे, अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद थे, राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद थे। और यहाँ पर अब लगभग हर जो सहयोगी है बीजेपी का अब उसको आंखें दिखा रहा है। एचडी कुमारस्वामी ने तो कह दिया है कि एक बार तो हमको भी चाहिए, कृषि मंत्रालय हमको दीजिए। एचडी कुमारस्वामी जिनकी पार्टी जेडीएस के साथ कर्नाटक में गठबंधन करके कुछ खास फायदा नहीं मिला बीजेपी को, आज अब जेडीएस भी कह रहा है कि एक मंत्रालय तो हमको भी चाहिए। और बात भी सही है, जब एक सांसद जिताने वाली अनुप्रिया पटेल को मोदी जी एनडीए की बैठक में मंच पर बैठा सकते हैं, उनको बोलने का मौका दे सकते हैं, तो कुमारस्वामी तो एक मंत्रालय मांग रहे हैं तो क्या गलत मांग रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों चंद्रबाबू नायडू ने साफ कर दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जो भी मंत्रालय हैं वो उनको मिलने चाहिए। और इसको लेकर थोड़े मोदी जी असमंजस में है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वो डिपार्टमेंट होता है खास तौर पर पिछले 10 सालों में जिसको लेकर मोदी जी की थोड़ी काफ़ी तारीफ हुई है। और ये बर्थ मोदी जी ने पिछले 10 सालों अपने पास ही रखी है, इंपॉर्टेंट बर्थ होती है ये, इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट करती है सरकार, पैसे का एलोकेशन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया कि ये हमको चाहिए। इसके अलावा दोस्तों नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि 3 बर्थ हमको चाहिए। और देखिए पत्रकार प्रेम कुमार ने भी यही लिखा है कि 2 बर्थ को लेकर, 2 मंत्रालय को लेकर नीतीश कुमार भड़क गए। नीतीश कुमार ने यहाँ भी इस खबर में लिखा है कि उन्होंने साफ कह दिया कि 3 मंत्रालय, 3 मलाईदार मंत्रालय तो हमको चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जयंत चौधरी और जीतन राम मांझी को भी बुलाया गया था, उनसे भी पूछा गया था भाई आप भी बता दीजिए आपको क्या क्या चाहिए। जयंत चौधरी और जीतन राम मांझी भी एक एक बर्थ मांग रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों एकनाथ शिंदे की तरफ से भी अब लगातार बयानबाजियां, उनकी पार्टी की तरफ से भी कल से बयानबाजियां शुरू हो गई थी। एकनाथ शिंदे भी कैबिनेट का बर्थ मांग रहे हैं। दोस्तों अब बीजेपी की स्थिति यह है कि पूर्ण बहुमत की सरकार उसकी है नहीं, तो उसके लिए 1 सांसद वाली पार्टी, 4 सांसद वाली पार्टी, 6 सांसद वाली पार्टी, 10 सांसद वाली पार्टी, हर पार्टी इंपॉर्टेंट है, एक एक सांसद इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अब जो एनडीए जिसका नाम भी 10 साल से सुना नहीं जाता था, जिस एनडीए का केवल एक सांकेतिक
एक तरह से नुमाइंदगी होती थी, एनडीए के सहयोगियों को ऐसे ही मंत्रालय मिलते थे जिसमें बहुत ज़्यादा जिनको बहुत ज़्यादा फंड नहीं मिलता है या जो बहुत ताकतवर मंत्रालय नहीं माने जाते हैं, अब वो स्थिति पलट गई है। अब 2 सांसद वाली पार्टी, 4 सांसद वाली पार्टी, 10 सांसद वाली पार्टी, 6 सांसद वाली पार्टी, हर कोई सवाल पूछ रहा है कि हम भी इम्पोर्टेंट है, हमको भी नुमाइंदगी दीजिए। और यही नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी टेंशन हो गई है। और ये जो टेंशन है ना दोस्तों एनडीए की, इंडिया गठबंधन बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। दोस्तों देखिए, आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया है कि एनडीए एलाइज को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपको वादे किए जाएं वो आप लिखित में ले लीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भरोसा नहीं है, ये कमरे में वादे करते हैं और बाहर जाके तोड़ देते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए किसी भी हाल में टाइम बाय कीजिए और इनसे पूछ लीजिए कि जो वादे आप कर रहे हैं कब तक पूरे करेंगे, क्योंकि वादे तोड़ने में ये इनकी महारत हासिल है। मतलब आप सोचिए किस लेवल की प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है अभी। ये एनडीए की सरकार किस तरह की होगी, कौन सा किसको मंत्रालय मिलेगा, इसको लेकर संशय लगातार जारी है। इंडिया गठबंधन वहां से प्रेशर पर प्रेशर बनाया जा रहा है और इसका एक संकेत ममता बनर्जी ने कल दे दिया। ममता बनर्जी ने जो कहा है, जरा आप उसको ध्यान से सुनिए। वी आर वेटिंग एंड वॉचिंग द सिचुएशन, कंट्री नीड्स चेंज। तो आप सोचिए दोस्तों, एक तरफ अमित शाह जी बैठकर अपने सहयोगियों से पूछ रहे हैं आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, और ममता बनर्जी ने कल बयान दे दिया कि इंडिया गठबंधन अभी बैठा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार बनाने की जोर आजमाइश उसने खत्म कर दी, हम वेट कर रहे हैं, हम वॉच कर रहे हैं। और कल दोस्तों मैंने आपको इस खबर में बताया भी था कि अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खास कह लीजिए या बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने ना केवल दिल्ली में अखिलेश यादव से मुलाकात की बल्कि महाराष्ट्र गए। महाराष्ट्र में उन्होंने उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों से बातचीत की है। इंडिया गठबंधन घात लगाए बैठा हुआ है, वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है, वो नहीं चाहता कि ऐसी कोई भी छवि जाए कि ये लोग सत्ता के भूखे हैं और इनके पास आंकड़े नहीं हैं, उसके बाद भी सरकार बनाने के लिए मचल रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन लगातार दबाव अंदर से भी बना रहा है, बाहर से भी बना रहा है। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अगर आज आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा जैसा कुछ दे दिया जाता है, कोई स्पेशल पैकेज दे दिया जाता है, तो फिर ये इस तरह की आवाज़ें तो अलग अलग राज्यों से और उठेंगी, क्योंकि कानून ये कहता है कि आप कुछ पहाड़ी राज्यों को ही विशेष राज्य का दर्जा दे सकते हैं। इसीलिए बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग अब तक पूरी नहीं हुई। नीतीश कुमार किसी का भी गठबंधन हो, चाहे इसके साथ हो उसके साथ हो, कहते रह जाते हैं लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं होती, क्योंकि इसको लेकर कानून है। लेकिन अब अगर अपने सहयोगियों को मनाने के लिए आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है, कोई स्पेशल पैकेज मिल जाता है, बिहार को कोई स्पेशल पैकेज मिल जाता है कि बस नायडू जी और नीतीश जी मान जाएं, तो फिर ये आवाज़ दूसरे राज्यों से भी उभरेगी। देखिए अशोक गहलोत ने बाकायदा इसके लिए ट्वीट कर दिया है कि विशेष राज्य के दर्जे या केंद्र सरकार के विशेष ध्यान की सबसे ज्यादा आवश्यकता तो राजस्थान को है, क्योंकि हमारा राज्य सबसे बड़ा रेगिस्तानी राज्य है। पूरे राज्य में केवल एक छोटे से हिस्से में साल भर बहने वाली नदी है और भौगोलिक स्थितियां चुनौतीपूर्ण है। राजस्थान का क्षेत्रफल देश का 10% है लेकिन पानी यहां पर 1% है, तो विशेष राज्य का दर्जा तो हमको मिलना चाहिए। मतलब आप समझ लीजिए कि मोदी जी के आगे इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है। आज अगर वो सरकार बना लेते हैं और जितनी भी मांगे हैं नायडू और नीतीश की, हर तरह की मांगे हैं और वो मांगे कभी खत्म ना होने वाली मांगे हैं, तो फिर अलग अलग राज्यों से जहां पर विपक्ष का संगठन मजबूत है वो इस तरह का प्रचारित करेगा। देखिए, इन्होंने अपनी सरकार बनाने के लिए फलाने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया, जबकि कानून में ऐसा कुछ है नहीं, और हमारे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान में बीजेपी को चुनाव नहीं लड़ना है। राजस्थान में बीजेपी की जो गत हुई है, राजस्थान में अभी कुछ महीने पहले चुनाव होने के बाद बीजेपी की जो स्थिति हुई है, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का संगठन वहां पर कितने बुरे हालत में है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का टाटा बाय बाय हो सकता है, उनका इस्तीफा लिया जा सकता है। मतलब आप सोचिए, जिस राज्य में अभी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और वो चुनाव जीता आपने, उस राज्य में आप इतनी जबरदस्त, इतना बढ़िया प्रदर्शन अगर कांग्रेस करके ले जाती है, तो इसका मतलब आपके वोट बैंक पर कांग्रेस ने सेंधमारी कर दी है और अशोक गहलोत ने उसकी बयानबाजियां शुरू कर दी है। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जो भानुमति का कुनबा है, जो अभी बस इसीलिए बनाए कि कैसे भी करके बस मोदी जी पीएम पद की शपथ ले ले, ये कब तक चलेगा, और चलेगा तो कैसे चलेगा जब सहयोगी लगातार कल रात बैठकर बैठकें कर रहे हैं इस बात को लेकर कि नहीं, 2 बार तो नहीं चाहिए हमको, 3 से 4 में तो कम चलता नहीं है। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।